अरे पागल हो गए लोग यार, मैं नहीं हिल रहा, तुम जाओ पीछे। क्या बात है, पुलिस वाले भैया आ गए यहाँ पे। ये इन लोग की गलती की वजह से ना ये सब होता है। ये देखो यार, ये अभी स्ट्रेचर लेके भाग रहे हैं। अच्छा, कुछ हुआ क्या आगे? तो अभी बजे है 11, हम लोग अभी यहाँ पे निकलने वाले थे 10-11 बजे तक, लेकिन फिर थोड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं सब लोग कि खाना खा के जाओ, तो खाना खा के जाएंगे। मटन आज जिनसे आग्रह है, सगांचा आग्रह है, और फिर पप्पा भी बोल रहे कि मेरे लिए डब्बा लेके आ, तो ठीक है चलो। तो यहाँ पे प्लान में एक बढ़िया सा चेंज आ गया। चेंज मतलब एक्चुअली, अरे कितना आवाज है यहाँ पे, थोड़ा सा सुनाई कम देता ना, इसीलिए थोड़ा ये है। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, केड़ी से बाग, केलों का खेत है, तो ऐसे ही जा रहे, खाना खाने तक वापस आ जाएंगे और फिर खाना खा के अकोला। तू घर में रहेगा, तू आएगा तो तेरे पीछे एक आदमी लगेगा। तो जाने वाले थे मैं, ठकुरन जी और मामा, लेकिन अभी सब परिवार आज ही बने थे ना। आजू क्या बात है, यही सब देखने के लिए तो हम शहर से गांव आते हैं। वाह, और देखो काजू, केपी हमारी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केपी बोलते हैं, उसका नाम के इनिशियल्स केपी है। चलो केपी, काजू को जिधर भी हम लेके जाए उसके लिए एक अलग से आदमी लगता है। मतलब काजू को ले जाना मतलब ड्यूटी है, एक बंदा लगता है उसके लिए। ए रुक रे, अरे आपने मामा का केले का खेत, क्या बात है, ठीक है तार लाओ ले। पाहिले का खराब होतात का? गुड इन्फॉर्मेशन, चांगलं हिरवगार राहिलं पाहिजे शेवटपर्यंत। अच्छा अच्छा ओके। तर काजूची जबाबदारी मी माझ्या मामाला दिलेली आहे मित्रांनो, कारण की मला ब्लॉक करायचं आहे। कैसा लग रहा है अभेद्य जी आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभेद्य अभी पढ़ाई के मूड में, पढ़ाई से छोटा सा ब्रेक लेके थोड़ा खेती में, थोड़ा खेती शेती पण बघावं लागेल ना, आता बघू। और यहाँ पे अपनी मासी ठाणे वाली, सब लोग शर्माते ही है, बाहर वाले लोग बोलते हैं, घर वाले लोग शर्माते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन का कनेक्शन, ये देखो इसमें से पानी टपकता है बूंद बूंद बूंद, ये देखो छेद। टेम्परेचर ड्रॉप अच्छा खासा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? मस्त एकदम, अच्छा लग रहा है ना। क्या कब खा सकते हैं बताओ? वो मामा ही बता पाएंगे, एक महीने के बाद खा सकते हैं ना, पानाखाली दुसरी फणी तयार होईल, परत अजून इकडे एक पाणी, त्या पानाखाली तिसरी फणी, अशा 7-8-9 फण्या पडतील। मग जेव्हा लहान लहान त्या बारीक फण्या येतात की नाही, तेव्हा ते, हा मग तेव्हा त्याची वाढ संपते। मग कधी लावलेत मामा हे? किती महिने? 17 जून ची लागवड आहे, आता 9 महिन्याचं पूर्ण बाग होऊन देईल। चलो बॅक टू गाव, अभी 1 बजे खाना खाके निकलना है, 2 बजे तक मोस्टली निकल जाएंगे। तर शेतामध्ये जाऊन भरपूर मेहनत करून आता मटन खाऊया। महीने क्या मेहनत किया मैंने, सिर्फ वीडियो बनाया। तो ये रही हमारी मटन थाली, खानदेशी मटन थाली, क्या बात, लाजू नको बरा। और ये देखो केपी, अभी इसको काजू को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है, तो अभी वो रोएगी मुझे पता है। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी बजे है 3:15, 6:30-7 बजे जाएंगे घर जाने तक। चला आज मैं, ये तो ये तो मतलब, और अभी पतली पतली गलियों में से ऑटो निकल रहे हैं, देखो कितनी छोटी जगह है, एक कार लगा दिया। तो हम लग चुके हैं हाईवे पे, पर एक है, इतना अच्छा रोड बनाया, सब बनाया ठीक है, बट यही रोड सबसे रिस्की रहते हैं। क्यों? एकदम स्ट्रेट, अच्छा स्ट्रेट वाले, एकदम स्मूथ, बेस्ट नींद आने के चांस। हाँ। ये देख तो, ये नींद में लग रहे है, टेढ़ा हो गए। सो दोस्तों, हर रास्तों का अपडेट अगर आपको दूं मैं, तो ये वाला रास्ता बना है, लेकिन अभी मलकापुर के पहले ही रास्ता खत्म हो जाएगा और सिंगल रास्ता शुरू हो जाएगा, तो वहां से अब देखते हैं क्या हालत है। आंखों देखी 6 महीने पहले तो बहुत ही घटिया थी, अभी देखते हैं। ये का है भैया, ऐसे का है पैर रखे हो? रोड तो सही लग रहा है, इधर डबल रास्ता कब आ गया? ये अभी बना है, एक बार सिंगल चालू होगा तो सिंगल ही है, लेकिन अभी यहाँ पे बन गया है। अच्छा यार, काफी अच्छी प्रोग्रेस है इस बार, आई एम हैप्पी, बाइक चलाने में मजा आएगा अभी। तो ये देखो, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, फिर भी रॉन्ग साइड से लोगों को डालना ही है। मैं यहाँ पे रुका हूँ, फिर भी बहुत सारे लोगों को डाल रहे, तो आखिरी गाड़ी बची। और ये देखो, ये बावली देखो, ये ट्रक कैसा क्या जाएगा रे, तू क्या आदमी है।
कैसे जाएगा भाई, अरे पागल हो गए लोग यार। क्या बात है, पुलिस वाले भैया आ गए यहाँ पे, सबको पीछा कर रहे हैं। ये चला निकालो सर इनका, हमारे बहुत निकालते हो, इनका भी निकालो। कहीं मैं नहीं हिल रहा, तुम जाओ पीछे। नहीं मेरे को बोल रहा तू इधर डाल, पागल है क्या? इधर से जा बोल रहा है। हाँ, ये देखो अभी इन लोग की गलती की वजह से ना यहाँ पे देखो एक एम्बुलेंस आ गई है। क्या है यार, मतलब ये इन लोग की गलती की वजह से ना ये सब होता है, तो एम्बुलेंस जाम हो गया यहाँ पे। ये देखो यार, ये अभी स्ट्रेचर लेके भाग रहे हैं। अच्छा कुछ हुआ क्या आगे? एक्सीडेंट हुआ क्या आगे? स्ट्रेचर लेके क्यों जाएगा फिर यहाँ पे? कुछ तो हुआ रहेगा, इतने लोग भाग क्यों रहे? फाइनली क्लियर हो गया, 4:33 हो गया आधा घंटा, मतलब जितना टाइम हमारा बच गया था अच्छे रास्तों की वजह से वो इसमें घुस गया। अभी 4 घंटे के 4 घंटे ही लगेंगे। ये देखो ये एक्सीडेंट हुआ था, इतना डेंजर है बट वो दिखा नहीं। हाँ। तो लिया गया है एक लास्ट ब्रेक, अकोला ज्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर ही है ये, अपना शेगांव नाका है तो ये बंद हो गया। एक्चुअली ये इतना सारा काम ना 2 महीने में हुआ ऐसा बोल रहे है, और काफी फास्ट आ रहे हैं हम लोग इनफैक्ट, तो ये वाला रास्ता भी वहां से ज्वाइन हो रहा है। जूस पियेंगे और निकलेंगे। तो अकोला आके मेरा यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ, एडिट तो हो जाता है लेकिन अपलोड ही नहीं होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोपहर के 2-3 बजे 40-42 डिग्री सेल्सियस अभी बाहर जाता हूँ, जहाँ पे भी रेंज मिलेगा वहाँ पे गाड़ी रोक के उसके अंदर अपलोड कर दूंगा और फिर वीडियो पब्लिश करके वापस घर आ जाऊँगा। हालत टेट हो रही है, बाहर आके ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ आ गया मैं। ओह माय गॉड, इट इज सो हॉट। ओह भट्टी है भाई भट्टी। तो आप लोग को क्या बताऊँ, मेरी हालत अकोला में हमेशा का यही नाटक है, वीडियो अपलोड होता ही नहीं है। बाहर जाके अभी वीडियो पब्लिश करके आया, अपलोड करके आया, क्योंकि घर में भाई होता नहीं है मेरे। और ये देखो बाहर 41 डिग्री सेल्सियस में मैंने बाहर जाके वीडियो अपलोड किया है, ऑलमोस्ट गांव के बाहर जाके। बाकी अकोला में ट्रैफिक सिग्नल देख के थोड़ा अजीब लगता है। चलो लोग कर लो बात, अकोला आने की पानी पूरी चालू। कैसी, अच्छे? वाह, आया ना मुँह में पानी आया ना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे काजू सबसे पहले दिख रहा है आपको, सुसु पॉटी करते हुए, सॉरी फॉर दिस। तो मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए और ठकुराइन जी जो है वो यहीं पे रुकने वाली है, ये देखो जंजीरों के पीछे। तो वो यहीं पे रुकेगी, फिर कुछ दिनों बाद अमरावती चली जाएगी। तो मसकली ज़्यादा गंदी नहीं है, बस थोड़ा सा धूल है ऑब्वियसली, क्योंकि मुंबई से आए थे, अब वापस जा रहा तो धोखे को मतलब नहीं, खाली कांच मैंने साफ किया है, दैट्स इट। 7:30 6 बजे निकलने का प्लान था लेकिन 1.5 घंटा लेट है अपनी गाड़ी, पहुँचेंगे वैसे 9 बजे तक। और हाँ, मेरे मम्मी पापा भी आ रहे लेकिन मामा के गाँव तक आ रहे, उनको वहाँ पर ड्रॉप करके फिर मैं आगे निकल जाऊँगा।